खबर गाजीपुर जमाना से ही, जहां तहसील प्रशासन ने कसाई मोहल्ले में 25,14,100 रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया। बता दें कि डीएम के आदेश पर नगर स्थित लोदीपुर कसाई मोहल्ला निवासी गौकस मुर्तुजा कुरैसी की पत्नी मुन्नी बेगम के नाम से मौजा लोदीपुर खास में स्थित 25,14,100 रुपए का बेनामी संपत्ति मकान को तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कुर्क कर दिया। बता दें कि कुर्की की यह कार्रवाई मुर्तजा कुरैसी पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में की गई है। वहीं एसटीएम भारत भार्गव ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कहमर की ओर से 24 जनवरी को प्रेषित रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 28 जनवरी की संतुष्टि पर धारा 14 के तहत उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों के विरुद्ध गैंग के सदस्य मुर्तजा कुरैशी द्वारा आपराधिक कृत्यों से नगर स्थित मौजा लोदीपुर में अराजी संख्या 43 रकबा 0.004 हेक्टेयर में से 126.66 वर्ग मीटर पत्नी मुन्नी बेगम के नाम से 17 मार्च वर्ष 2017 को रजिस्ट्री कराया गया, जो बेनामी संपत्ति है, जिसके अनुमानित मूल्य 25,14,000 रुपए मात्र है, जिसे कुर्क किया गया है। इस मौके पर सीओ विजय आनंद शाही, तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा, कोतवाल बंदना सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्या है मामला और कितने की संपत्ति है और क्यों कुर्क की गई? देखिए, धारा 14 के तहत जो है मुर्तजा कुरैसी के द्वारा जो भी अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं, इसमें लोदीपुर खास में उनकी पत्नी मुन्नी बेगम के नाम से मकान है और इस मकान को जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के द्वारा इसको कुर्क किया जा रहा है। इसकी सर बाजार मूल्य कितनी होगी? 25 लाख करीब 25 लाख के करीब है इसके बाजार में।